फाइनेंस के बारे में सिंह राशि के लिए देखा जाए तो भाई चंद्र और केतु वार्षिक राशिफल में सेकंड भाव में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए तो जनरली देखा जाए साधारणतया सिंह राशि वाले वैसे खर्चीले स्वभाव के होते हैं, टिप टॉप रहने पे खर्चा करते हैं, कपड़े पे खर्चा करते हैं, गहना पहनना पसंद करते हैं, सोना चांदी लादना पसंद करते हैं, तो उसमें भी खूब खर्चा करने वाले हैं। घर घर में इंटीरियर पे खर्चा ये खूब करते हैं, ब्रांडेड वस्तुओं पे खर्चा करते हैं, यानी खर्चीले स्वभाव के होते हैं, एंटीक चीजों पे धन खर्च करना पसंद करते हैं, यानी वैसे जनरली देखा जाए तो सिंह राशि वाले खर्चीले स्वभाव के होते हैं। साल 2024 के अंदर देखा जाए तो अच्छा धन आप कमाने वाले भी है और चंद्रमा और केतु द्वितीय स्थान में बैठे हैं, यानी आप जो है साल 2024 में अच्छा धन कमाएंगे और अच्छा दान धर्म भी करने वाले हैं, यानी किसी संस्था से जुड़कर आप अच्छा खासा दान भी करेंगे, अच्छा खासा धर्म भी करेंगे। साल 2024 के अंदर देखा जाए विदेश संबंधी इनकम आपको प्राप्त होगी या विदेशी काम आपको मिल सकता है या विदेशी इनकम का लाभ आपको मिल सकता है। साल 2024 के अंदर अगर देखा जाए तो आपको धन का तो लाभ हो ही रहा है सिंह राशि को, साथ ही साथ जमीन वाहन का भी लाभ होगा, यानी साल 2024 के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय से भी सिंह राशि को अच्छा लाभ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए साल 2024 में सिंह राशि वाले अपनी संतान को या तो वाहन देने वाले या विद्या पे मोटा खर्च करने वाले भी है, यानी संतान पे धन खर्च भी होगा। साथ ही साथ देखा जाए और पूरे साल आप अपनी ओवरऑल इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल के गरीबों की हेल्प भी करने वाले हैं। कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आप इनकम भी आप जनरेट कर रहे हैं साल 2024 के अंदर और काफ़ी हिस्सा आपका खर्च भी हो रहा है। साल 2024 के अंदर सिंह राशि वाले ध्यान से सुने, पी नाम के लेटर यानी जिसका पहला अक्षर पी से है, जिसका नाम पी से शुरू हो रहा है, ऐसे मित्र ऐसे रिश्तेदार ऐसे जान पहचान वाले मित्र आपको धन संबंधी मोटा लाभ करा सकते हैं। तो पी नाम का कोई भी व्यक्ति हो उससे आपको जबरदस्त लाभ होने के योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए धन के लिए अप्रैल जून का महीना थोड़ा खर्चा वाला रहेगा, बाकी 10 महीने आपके धन के लिए बहुत लाभकारी है, यानी साल 2024 में सिर्फ अप्रैल जून का महीना थोड़े आपको खर्चे बढ़ जाएंगे, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, बाकी 10 महीने आपकी स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब तीसरी घटना के बारे में बात कर लेते हैं तो तीसरी घटना का संबंध सिंह राशि वालों के पारिवारिक जीवन से, यानी परिवार भाव में शुक्र और बुध बैठे हैं, यानी साल 2024 के अंदर परिवार संबंधी रुके हुए काम मांगलिक काम आपके बन रहे हैं, यानी जनवरी से सितंबर के महीने में दो बड़ी खुशखबरी परिवार के फैमिली मेंबर से संबंधित आपको मिलेगी, यानी कि वाहन खरीदने के एक तो साल 2024 में फैमिली मेंबर के योग बनते हैं या घर से संबंधित या तो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे या नई प्रॉपर्टी में आप जाने वाले, घर का स्थान परिवर्तन अपने घर में जाने वाले, यानी देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टि से साल 2024 बहुत बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं चौथी घटना के बारे में, इसका इफेक्ट उन सिंह राशि वालों पे पड़ेगा जिनकी संतान है, यानी पंचम भाव में मंगल द्वारा वार्षिक कुंडली के अंदर रोचक योग बन रहा है, यानी साल 2024 संतान को उच्च शिखर में पहुंचा देगा ये साल 2024, क्योंकि मंगल का रोचक योग बन रहा है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, यानी 1 वर्ष से 18 वर्ष के अंदर अंदर जिनकी उम्र है उन संतान के बारे में बात करें तो विद्या या किसी एक्टिविटी में आपकी संतान साल 2024 में या तो फर्स्ट आने वाली है पूरे स्कूल में या फिर मेडल अवार्ड जीत के लाने वाली है, अच्छी परफॉर्मेंस पूरे साल 2024 में आपकी संतान की रहेगी। और 18 प्लस यानी बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनका भाई सरकारी नौकरी या सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर अच्छे अंक मिलने वाले, यानी सरकारी स्कूल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के योग आपकी बड़ी संतान के बनते हैं। साथ ही साथ साल 2024 में वाहन के योग भी आपकी संतान के बनते हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि की चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है साल 2024 बड़ा लाभकारी है।
आप बात करें नौकरी भाव के बारे में, जो सिंह राशि वाले नौकरी करते हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, तो देखा जाए तो साल 2024 के अंदर देखा जाए तो नौकरी में बड़ा पद सिंह राशि को मिल सकता है या बड़ी जिम्मेवारी सिंह राशि को मिलेगी, ऐसा योग मिल रहा है। साथ ही साथ साल 2024 प्रेशर वाला साल रहेगा, बड़ा पद बड़ी जिम्मेवारी तो आपको मिलेगी लेकिन वर्क लोड भी बढ़ने वाला है, प्रेशर भी 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी साल 2024 में काम में आप बिजी रहने वाले हैं। खासकर देखा जाए जून 2024 से दिसंबर 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आपको अच्छा धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक इंक्रीमेंट होगी और बड़ा पद का लाभ आपको मिलेगा, यानी नौकरी वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। अब छठी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो भाई अष्टम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं, जो कि आपको सिंह राशि को अच्छा बुरा दोनों फल साल 2024 में राहु देने वाले हैं। पहले हम अच्छे के बारे में बात करें तो देखा जाए तो सिंह राशि का कोर्ट से संबंधित पेंडिंग जो डिसीजन है या कोर्ट में पड़े हुए काम, अटके हुए काम, जो सरकारी काम आपके अटके हैं कोर्ट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट, लेबर कोर्ट या आपके जो हाई कोर्ट में जो फैसला आना है, तो कहीं ना कहीं साल 2024 में वो पेंडिंग काम आपके होते हुए नजर आ रहे, सरकारी वाद विवाद, पुराना धन का लेन देन खत्म होता हुआ साल 2024 में नजर आ रहा है, क्योंकि अष्टम में राहु बैठा है। बुरा देखा जाए तो साल 2024 में जो सिंह राशि की महिला है उनको हिडन प्रॉब्लम यानी यूट्रस से संबंधी प्रॉब्लम या उनको इन्फेक्शन की संबंधी प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम खासकर महिलाओं को ज़्यादा रहने वाली है, पुरुषों को 20% पुरुषों को रहने वाली है, 80% महिलाओं को रहने वाली है, ऐसा योग बन रहा है। यानी अष्टम भाव में जब भी वार्षिक कुंडली के अंदर राहु आता है तो पाइल्स या इन्फेक्शन यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं को अधिकतर रहती है, पुरुषों में ये स्थितियाँ बस 20% होती है। अब बात कर लेते हैं सातवीं घटना के बारे में, तो सातवीं घटना का असर स्टूडेंट पे पड़ेगा, यानी विद्यार्थियों के लिए साल 2024 बहुत ही अच्छा है। पहला, आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा साल 2024 में प्रतिफल मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साल 2024 का टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 अंक है और 8 अंक के स्वामी न्याय प्रिय शनिदेव होते हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2024 में आपके सरकारी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट से संबंधित इंस्टीट्यूट में आपका नाम आएगा, साथ ही साथ आप शहर का नाम रोशन करने वाले हैं, यानी कि आप नाम रोशन करने वाले हैं, आपकी प्रतिभा बढ़ने वाली है, साथ ही साथ वाहन खरीदने के योग भी साल 2024 के अंदर विद्यार्थियों का बन रहा है। तो कुल मिला के साल 2024 स्टूडेंट के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन की। सप्तम भाव में साल 2024 में सिंह राशि का शनि सप्तम में बैठा है, यानी साल 2024 में दाम्पत्य जीवन में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिलेगा। सबसे पहले लव कपल या प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, तो भाई आपके लिए साल 2024 थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा, प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है, शादी का बड़ा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, पार्टनर की ओर से शादी में बहानेबाजी सुनने को मिलेगी या रुकावट या मना हो सकता है पार्टनर की तरफ से, तो साल 2024 में भाई जोर का झटका आपको धीरे से लगाने का हमारा प्रयास है, यानी करियर की ग्रोथ आपके पार्टनर की आपकी अच्छी है लेकिन शादी के मामले में थोड़ा सा मामला लव एंड रिलेशन में डिले होता हुआ या मना होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, और हाँ मैं और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा, उसका नंबर मैंने नीचे दे रखा है। तो प्रेमी प्रेमिका लव कपल को भाई आपको जो ये कन्फ्यूजन है वो आपका वार्षिक राशिफल में नहीं मिलता, आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी, उसमें अगर लव मैरिज का योग है तो कहीं ना कहीं चीजें बदल सकती है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो कहीं ना कहीं साल 2024 में आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी पैदा करने का कोई ना कोई मौका अवसर प्राप्त होगा, यानी कि जो शनि सप्तम में बैठे हैं तो कभी गलत फहमी माता पिता को लेकर, पार्टनर
के बीच में रहेगी, गहमा गहमी रहेगी, अनबन आप दोनों के बीच में रह सकता है, या पार्टनर साल 2023 में थोड़ा बीमार रह सकता है, यानी कि दाम्पत्य सुख में भाई कमी है, चाहे पति पत्नी में बन नहीं रही है या पार्टनर आपका बीमार रहेगा, तो कुल मिला के दाम्पत्य सुख में कमी है। जून से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में स्थिति थोड़ा खराब ज्यादा है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो जनवरी से लेकर मई 2024 के अंदर देखा जाए तो हल्का फुल्का जनवरी से ही वाद विवाद होना शुरू होगा। इस तरह के सिस्टम्स पति पत्नी में हो तो पहला तो वाद विवाद की जड़ को बिल्कुल निकाल दें, याद रखिएगा, वाद विवाद की जड़ को बिल्कुल पैदा ना होने दें। ये वाद विवाद नहीं तो मध्य तक इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि आपकी पत्नी आपका पार्टनर छोड़ के भी जा सकता है, या फिर ये वाद विवाद बहुत आगे गंभीर रूप ले सकता है। तो कोशिश ये करें कि जनवरी से जो सिम्टम्स मिले तो उसको वहीं पर आप काट दे, याद रखिएगा, जो मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है उसको दूर कर ले, नहीं तो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, याद रखिएगा। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो नवम भाव में भाई आपके बृहस्पति बैठे हैं कहीं ना कहीं, और बृहस्पति वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो हंस योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फादर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, फादर को कहीं ना कहीं से फंड का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साल 2024 के अंदर आपके पिता को पद धन का लाभ नजर आएगा, साथ ही साथ आप भी कुछ विद्या की स्टडी कर सकते हैं या नया कोर्स कर सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, अपने को अपडेट करने वाले हैं, साथ ही साथ विदेश संबंधी आपकी यात्रा होगी, कुछ आप एग्जाम भी देने वाले हैं। कुल मिला के नवम भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं ना, एक तो आपके पिताजी के लिए बहुत अच्छा है और आपको अपडेट कर देंगे, आप कोई नया कोर्स करने वाले हैं, तो कुछ मिला के आप कुछ सीखने वाले हैं साल 2024 के अंदर। दसवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन लोगों से जो सिंह राशि वाले अपनी दुकान, अपना फैक्ट्री, अपना शोरूम चलाते हैं, तो देखा जाए तो व्यापार भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र और बुध दोनों के दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं, तो साल 2024 में काम में बड़ा परिवर्तन नजर आएगा, खासकर जनवरी से लेकर अगस्त 2024 के बीच में बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। कुछ लोग, कुछ सिंह राशि वाले नौकरी छोड़ के व्यापार करने वाले हैं, कुछ लोग, कुछ सिंह राशि वाले एक व्यापार को छोड़ के नया व्यापार साल 2024 में करने वाले हैं, कुछ लोग देखा जाए तो पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ सिंह राशि वाले अपनी एक और चेन खोलने वाले हैं, अपनी एक और फ्रेंचाइजी खोलने वाले हैं, यानी कि बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक देखा जाए तो व्यापार के लिए वैसे ये साल वृद्धिदायक रहेगा, काम में जबरदस्त वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापार के लिए ये साल बहुत बहुत लाभकारी है और बड़ा परिवर्तन वाला ये साल रहने वाला है। तो मित्रों, ये 10 भविष्यवाणियां, ये 10 घटनाएं वार्षिक कुंडली के अनुसार सिंह राशि के जीवन में घटित होने के योग बनते हैं।